अस्सलाम वालेकुम, एक दिन तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी और तुम्हें लगेगा मौजज़ा हो गया। उनकी रहमत पर पुख्ता यकीन रखो और खूब दुआएं करो तो तुम मायूस किस बात के लिए हो रहे हो, और मौजज़े उनके लिए होते हैं जो तवक्कल करते हैं। तो सुनो, तुम्हारा रब भी वही है जो उनका है। दुआ ही तो है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला अंधेरे कुएं से, दुआ ही तो है जिसने यूनुस को निकाला मछली के पेट से। जख्म बनने से पहले वो मरहम का इंतज़ार करके रखता है, तो फिर रुको मत, दुआ का सिलसिला जारी रखो। कुन मोहब्बत है उसकी और फाया कुन यकीन का फ़लसफ़ा है। मोहब्बत करने वालों को वो महबूब रखता है और यकीन रखने वालों को वो कभी मुकद्दर से हारने नहीं देता। वो तुम्हारे हर गम से वाकिफ है, तुम एक दफ़ा उससे इल्तिजा तो करो, इबादतों से भी ज़्यादा उसको निदामतें प्यारी होती हैं। वो ढांप लेता है जिस जख्म पर से दुनिया कपड़ा हटा लेती है, वो उस पर पर्दा डाल देता है। जब तुम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, वो तब भी तुम्हें माफ़ कर देता है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, जो ये जानता है तुम अपनी गर्ज के लिए उसको पुकार रहे हो, मगर फिर भी वो तुम्हें सुनता है, बहुत गौर से सुनता है। और तुम अब भी सोच रहे हो कौन तुम्हारा मुंतज़िर है। तुम अब तक इसी कश्मकश में हो कि ना जाने वो माफ़ करेगा भी या नहीं। तुमको अब भी ये शक है कि ना जाने वो दुआ सुनेगा भी या नहीं। हालांकि उसने जजाएं और सजाएं पहले से मुकर्रर कर रखी हैं, फिर भी तुम्हें अपनी जानिब खींचने के सबब बनाता रहता है। रोज़ाना 5 दफ़ा तुम्हें मुलाकात का दावतनामा देता है और फिर इंतज़ार करता है कि कभी तो उसकी जानिब वापस लौट आओगे। वो तुम्हें अधूरा इसलिए छोड़ देता है ताकि खुद से तुम्हें जोड़कर तुम्हारी तकमील कर सके, ताकि तुम रोज़ उससे मिलने आओ, ताकि वो रोज़ तुम्हारी आवाज़ सुन सके।